तो दोस्तों आपका जो सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस लेवल जो गिरता है ना, वो इस वजह से गिरता है कि जब आप गाड़ी चलाते रहते हैं और पीछे से कोई हॉर्न बजा देता है ये, तो एकदम से आप डर जाते हो, पूरी गाड़ी को ऐसा रोक लेते हैं या तो फिर पूरी गाड़ी को अननेसेसरी जहाँ पे आपकी गाड़ी जो चल रही है आपका पूरी गाड़ी का हैंडल एकदम से घुमा के यहाँ जाते हैं और आप एक कपकपा से जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ क्यों होता है, इसके बहुत से रीज़न होते हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि देखो आप खुद ही बिगनर हो, तो आप हॉर्न की आवाज़ जैसे सुनते हो ना तो आप लोग डर जाते हो। तो आप लोगों को करना क्या है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले अपनी पोजीशन देख लो कि भाई हम रोड पे किस साइड चल रहे हैं, क्या हम सेंटर पे चल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे चल रहे हैं सेंटर पे, है ना, ऐसा बीचों बीच रोड पे चल रहे हैं, और अगर कोई हमें ऐसा हॉर्न देता है तो हम भाई सीधे सीधे हल्का हल्का हमारा देखो हैंडल को पता भी नहीं चलना चाहिए और हैंडल हमने साइड पे दे दिया, सामने वाला साइड पे चला जाएगा। या फिर जैसे ट्रक आ रहा है, सामने से ट्रक ने लंबा हॉर्न दिया तो एकदम से बिल्कुल डर गए, नहीं मत डरो ना, उसकी साइड देख लो कि वो कितनी साइड पे जा रहा है, अब अपनी साइड देख लो, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये ट्रक आ रहा है, अगर हम इस पोजीशन में है ना, अब वो ट्रक आ रहा है तो अब हम खुद बाकायदा अपनी साइड दे देंगे, उसको हॉर्न बजाने की रास्ता ही नहीं देखेंगे। लेकिन अगर हम हमारी साइड पे चल रहे हैं यहाँ पर और अगर वो हॉर्न दे रहा है, तो जरूरी थोड़ा ना है कि वो सिर्फ आप ही को हॉर्न दे, हो सकता है कि वो किसी और को हॉर्न दे रहा हो। तो ऐसे में अपनी जो गाड़ी है उसका जो हैंडल को घुमाने की या अपने बॉडी को ऐसा कपकपाने की जरूरत नहीं है। हॉर्न बेसिकली आप भी देना है, आपको भी देना है, बना इसलिए क्योंकि साइड मांगने के लिए। लेकिन जब हम खुद ही साइड पे चल रहे हैं तो हमें डरना नहीं है। अब ये आदत ऐसी आएगी कि जब आप गाड़ी जब ऐसा चलाने लगेंगे ना धीरे धीरे, और पीछे से जब कोई हॉर्न आया करेगा तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करना सीखो। कुछ लोग फोकट में ही हॉर्न बजाने की उनकी आदत रहती है, आप भले ही कितनी साइड पे चलें जब वो आपके पास से निकलेंगे तो वो हॉर्न बजाएंगे ही बजाएंगे। तो ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना है। अगर आप अपनी साइड पे चल रहे हैं दोस्तों तो पीछे से कितना भी हॉर्न आए, आपको ज़्यादा ऑफ रोड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सड़क किसी के पापा की नहीं है, ये आप भी रोड टैक्स पटा रहे हैं, वो भी रोड टैक्स पटा रहे हैं, सभी रोड टैक्स पटा रहे हैं। बस कोशिश ये करो कि जो बड़े व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, उनकी ब्रेकिंग थोड़ी सी कम लगती है ना, क्योंकि उनमें लोड बढ़ा रहता है। तो अगर कोई हैवी व्हीकल हो, अगर वो आपको हॉर्न दे रहा है तो देखो आपके पास जितनी साइड होती है, जैसे हम यहाँ पे चल रहे हैं, कोई बड़ा व्हीकल पीछे से लंबा लंबा हॉर्न दे रहा है, हो सकता है रफ्तार में है तो आप साइड हो जाए, वहाँ हमारी सेफ्टी देखेंगे। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी गाड़ी है, टू व्हीलर है, वो फोकट में अगर हॉर्न दे रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक माइंड में ये सेट बना लो कि जब आप रोड पे चलेंगे तो आपको हॉर्न मिलना ही मिलना है दोस्तों। तो आपको डरना नहीं है और हॉर्न तो आपको खुद बजाना है। जैसे अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ हॉर्न दे दिए, ठीक है। अब देखो सामने हमें भाई अंधा मुगड़ है, यहाँ हमें कोई नहीं दिख रहा है, हमने हॉर्न दे दिया। छोटी छोटी कुलियाँ हैं, छोटी छोटी कुलियाँ में बच्चे लोग बिल्कुल दौड़ते दौड़ते आ जाते हैं और गाड़ी के सामने ठुस जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक दो बार हॉर्न दे दो अपने यहाँ पे, ताकि कोई बच्चा हो अलर्ट हो जाए, है ना। तो हॉर्न देने से डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है, और जीत के आगे आपका भाई आपके लिए खड़ा है, आपके लिए शानदार शानदार वीडियो बनाता है। कुछ सपोर्ट करिए भाई के लिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम बहुत जल्द हमारी दूसरी वीडियो को लेकर।